रीवा जिले के चोराटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेला बैजनाथ गांव में भाई और मामा के साथ मेला देखकर वापस आ रही दो सगी बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों ने भाई की पिटाई कर दो बहनों के साथ इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रीवा जिले में किशोरियों और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जो शर्मनाक करने वाला है। रीवा जिले के चोराटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेला बैजनाथ गांव में बुधवार की रात अपने भाई और मामा के साथ दो सगी बहनें मेला देखकर वापस लौट रही थी और उसी दौरान गांव के ही आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें रोक लिया और छेड़खानी करने लगे। जब उनके भाई और मामा ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवकों ने उन्हें मारकर भगा दिया और दोनों बहनों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं भाई ने घर पहुंचकर इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। जब तक परिजन वहां पहुंचे तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुके थे। रात होने के कारण परिजन दूसरे दिन किशोरी सहित युवती को लेकर थाने पहुंचे और इस घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों का ही मेडिकल कराया गया। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SP नवनीत भसीन को जानकारी हुई तो उनके द्वारा तत्काल चोराटा थाना प्रभारी सहित नवस्था चौकी प्रभारी अन्य को शामिल कर टीम गठित की, जिसके बाद जांच शुरू की गई। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। परसों रात की बात रही है, बच्चियाँ थी, एक उसमें बालिग है और एक नाबालिग बच्ची है। वो मेले गई थी अपने रिश्तेदार, एक मामा लगता है उनका और एक भाई लगता है रिश्ते का। उन लोगों के साथ में मेले से जब वापस आ रही थी रात में करीब 8 बजे के आसपास बताया गया, तो साथ में मेले में उनके पड़ोस के ही गाँव के कुछ लड़के थे जिन्होंने उनका पीछा किया और उन बच्चियों को रास्ते में रोककर उनके साथ इस तरह की हरकत की, जिसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। और जो लोगों ने हुलिया बताया था बच्चियों ने, क्योंकि बच्चियां पहचानती नहीं थी, अज्ञात थे, उनके साथ जो भाई और रिश्तेदार थे वो भी नहीं इस बात को जानते थे, और उसमें से कुछ मारपीट भी हुई थी। मारपीट के कारण से वो बच्चे भाग गए थे वहाँ से स्पॉट से। इस रिपोर्ट पर से पुलिस ने बच्चों की तरफ से 376D और पॉक्सो तरफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। साथ ही तत्काल टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए लगा दिया गया था, जिसमें से पुलिस ने करीब अभी तक 6-7 लोगों को अभिरक्षा में लिया हुआ है। पुलिस पूछताछ भी कर रही है, मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सतही जांच की जा रही है। कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? बच्चों के द्वारा 5 आरोपी बताए गए थे, अज्ञात थे सभी, और अभी पुलिस के द्वारा 5 तो पकड़े ही गए हैं और उनसे पूछताछ करके आगे भी जो आरोपी बता रहे हैं उनके साथ जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने घटना कारित की है, कुछ ने घटना कारित नहीं की है, और आरोपियों में से एक युवती पक्ष की तरफ का उसका रिश्ते का भाई मौसी का लड़का लगता है वो भी था। वो अभी पुलिस की बस पूछताछ में है, अगर उसका ये सिद्ध होता है कि मामले में वो भी लिप्त है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।